अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत हालात ख़राब है, बहुत सारे लोग बूढ़े बच्चे जवान छोटे बड़े सब शहीद हो चुके हैं। उनमें से मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा जो है वो वफात पा गए हैं। तो अल्लाह पाक से हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अदा फरमाएँ, और जो है वो उनके लिए ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद फरमाएँ, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। अल्लाह पाक हमारे इस्लाम का झंडा हमेशा सर बुलंद रखे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चलते फिरते उठते बैठते हर नमाज के बाद अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप लोग सिर्फ रोड पर मत निकलें, उनके लिए दुआ भी करें और अल्लाह पाक से उनकी हिफ्ज़ अमान की दुआ मांगें। तो क्योंकि हदीस से मुबारक है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो हम अल्लाह पाक से उन सब के लिए दुआ मांगते हैं कि जितने लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उन सबको जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्हें हौज़े कौसर नसीब फरमाए। और दुश्मनों के लिए यह कि अगर उनके नसीब में हिदायत लिखी है तो अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, अगर नहीं लिखी तो अल्लाह पाक उन्हें नस्तो नाबूद कर दे उनकी आने वाली नस्लों को। तो अल्लाह पाक बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, मक्का मदीना की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हमें अपने ईमान पर कायम दायम रखे और हमारे इस्लाम का झंडा हमेशा बुलंद रखे। तो आप लोग कमेंट में मुझे आमीन ज़रूर कहिएगा। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कौन ऐसा बंदा होगा जिसकी दुआ कबूल होगी। तो ये थी आज की मेरी एक वीडियो, तो आप लोग इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।